खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महोबा जनपद में विवाहिता को जहर देकर जान से मारने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पिता ने मृतका के ससुराल वालों पर बेटी की हत्या किए जाने संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो दहेज की मांग पूरी न किए जाने के चलते उनकी बेटी को जान से मार दिया गया है। परिजनों ने बताया कि मृतका के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी, साथ ही परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर देकर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। कबरई कस्बा के विशाल नगर निवासी गोली प्रसाद कुशवाहा ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने अपनी बेटी संजू का विवाह चरखारी कोतवाली के गांव फतेहपुर निवासी के पुत्र के साथ 3 साल पूर्व किया था। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी के साथ मारपीट करते थे। लगभग 1 माह पूर्व हुए विवाद के बाद दामाद बेटी को ले गया था, लेकिन दहेज की मांग को लेकर उनका नजरिया नहीं बदला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर जान से मार दिया। मृतका संजू की एक बेटी भी है। संजू अपने 6 बहनों और 1 भाई में सबसे छोटी बेटी थी। मामले में थाना क्षेत्र की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना घटित हुई है? बच्ची को मार डाला। किसने मारा है? ये राजा माँ है उसकी, और राजकुमार और सप्ता नंदन है, और ये ससुर की सलाह से। कितने दिन पहले शादी की थी आपने? 3 साल। और क्या आपको जानकारी है इसमें? दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, हिस्सा चाहिए वो हिस्सा भी लियो वहाँ का, मैंने हिस्सा लिया है यहाँ का, तुम भी हिस्सा लिया। कितने वर्ष पहले शादी की थी? 3 साल। कहाँ की थी शादी? फतेहपुर चरखारी। क्या नाम है लड़की का? संजीव देवी।